जैसा कि हम आपको हमारी पिछली खबरों में भी दिखा चुके हैं कि कैसे हो रहा है अवैध और नकली शराब के व्यापारियों और उन पर कार्रवाई करवाने वालों पर हो रही फर्जी एफआईआर के बारे में आपको बताया था। आज उसी विषय में हम आपको आगे ले चलते हैं। आज हम आपको फिर ले चलते हैं खरगोन जिले में हो रहे अवैध और नकली दारू के व्यापार की ओर। मुख्यमंत्री जी के इतना सख्त होने के बाद भी प्रशासन का लापरवाह रवैया सामने आ रहा है। खरगोन में हुई 2 मौत और मुरैना में हुई 27 मौतों के बाद भी प्रशासन का सुस्त रवैया सामने आ रहा है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कार्रवाई के नाम पर छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करना बहुत पुराना है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस अवैध शराब के काले बाजार के फल फूल रहे ठिकाने। खुशी किराना स्टोर बागफल इंदौर खंडवा रोड। पंजाबी ढाबा सनावत से पहले। पंचर की दुकान गांव चोली मंडलेश्वर। साई ढाबा कातूरा से आगे। चाय की दुकान दोगाबा कोगावा। किराना दुकान गांव बाड़ी खरगोन रोड पर। मकान नंबर 80 बड़ूर मेन बाजार। भगवान टी स्टॉल बड़ूर के बाहर। किराना दुकान जिरभार पिपल गोंद। लड़कियां बेचती दारू ग्राम किटूद। किराना दुकान ग्राम कानापुर। नर्मदा जी के पास मोटक्का। ग्राम पर डाली इंदौर खंडवा रोड। पिपलगोन रोड पे ढाबे से बिकता जहर। प्रजापति ढाबा सनावत रोड बड़वाहा। क्या अपने पास? और इंग्लिश में? इंग्लिश में आर एस बॉक्स आबकारी बड़ी चौकी सबको पैसे। सबको पैसा देके काम करता है। आबकारी बड़ी चौकी सबको पैसे। तो देखा आपने कि कैसे इतने अवैध शराब के अड्डे फल फूल रहे हैं। वहीं ऐसा ही मामला खरगोन जिले के बलवाड़ा थाना के अंतर्गत आने वाली चौकी का है, जहां अवैध रूप से अवैध दारू वालों पर एफआईआर करने के नाम में सस्पेंशन लेटर हाथ में आए हैं। कब तक प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करता रहेगा? जो लोग अवैध रूप से दारू बेच रहे हैं उन पर सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई होती है। क्यों प्रशासन उन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं करता और जो करवाता है उन पर होती है एफआईआर? जो अधिकारी इस अवैध और नकली शराब के व्यापार को रोकना चाहता है उनका होता है सस्पेंशन। अब हम आपको इनके ठिकानों के नाम के साथ हो रहे इस अवैध और नकली शराब के व्यवसाय और इनको रोकने वाले अधिकारियों को मिली सजा के बारे में संक्षिप्त से बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ राइट्स पर।